अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है, जहां इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में 8 साल की एक बच्ची की हौज में डूबने से मौत हो गई। वह घर के बाहर बने हौज के पास ही खेल रही थी, ढक्कन खुला होने से वह हौज में गिर गई। आधे घंटे तक वह नहीं दिखी तो माँ ने उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने हौज में झांक कर देखा तो बच्ची पानी में औंधे मुंह गिरी हुई थी, जिसे सभी ने मिलकर तत्काल बाहर निकाला। हादसे के वक्त पिता घर पर नहीं थे। मामला चित्रकूट नगर का है। यहां रहने वाली तनिषा पवार अपने घर की पानी की हौज में गिर गई थी। पिता रोहित पवार इस दौरान घर पर नहीं थे। घर में माँ और 5 साल का छोटा भाई था। बताया जाता है कि हादसे के ठीक पहले नल में पानी आया था। माँ ने पानी भरने के लिए हौज का ढक्कन खोला था, लेकिन पानी भरने के बाद किसी ने उसे बंद नहीं किया।